हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। माय नेम इज श्रुति पाल और आज हम जानेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। फोर टाइप्स कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, बिगिन साइज। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज में और ये बहुत तेज होते हैं और ये कंप्यूटर काफ़ी महंगे भी आते हैं। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, और ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये एक ही समय पर कई सारे टास्क कर सकते हैं। इट कैन मल्टी यूजर्स, इसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, यानी कि इस कंप्यूटर पर एक ही समय पर कई सारे यूजर वर्क कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, इसकी मल्टी प्रोसेसिंग है, एक ही साथ कई सारे प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। वेरी हाई एफिशिएंसी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसमें हम लार्ज अमाउंट तक सेव कर सकते हैं। इट कॉल्ड सुपर कंप्यूटर बिकॉज इट कैन सॉल्व डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद इन नैनो सेकेंड। इसे सुपर कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद इन नैनो सेकेंड, यानी कि कठिन और जटिल प्रॉब्लम्स हम इसे कुछ ही सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। यूज्ड फॉर सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? डिजिटल फिल्म रिकॉर्डिंग में होता है, मौसम का अनुमान लगाने में होता है, वैश्विक जलवायु में होता है, मिलिट्री रिसर्च में होता है, विमान, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट डिजाइनिंग, विमान और अंतरिक्ष का डिज़ाइन बनाने में होता है, सेस्मोग्राफ्स, प्लाज्मा एंड न्यूक्लियर रिसर्च, यानी कि भूकंप का अनुमान लगाने में होता है, प्लाज्मा और परमाणु का रिसर्च करने में होता है, स्टडी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का अध्ययन करने में, इन सभी जगहों पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर CDAC, अनुराग, क्रे, XMP, परम, ये सभी सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर। फ्रेंड्स, मेनफ्रेम जो कंप्यूटर है ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, विच कैन बी यूज्ड बाय मैनी यूजर्स एट द सेम टाइम। इस कंप्यूटर पर एक समय पर बहुत सारे यूजर्स काम कर सकते हैं। विच कैन ऑल्सो डू वेरी बिग एंड डिफिकल्ट टास्क। इस कंप्यूटर में हम बहुत डिफिकल्ट एंड बड़े टास्क कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर वेरी एक्सपेंसिव देन माइक्रो एंड मिनी। मेनफ्रेम जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बहुत महंगा होता है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर से सस्ता होता है। इट्स बिगर देन मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, बट ये सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है। इट्स स्टोरेज पावर एंड प्रोसेसिंग स्पीड वेरी फास्ट देन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर। इसकी स्टोरेज पावर और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर से। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है साइज में, और इसकी पावर भी ज़्यादा होती है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है उससे, और ये मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से महंगा भी होता है, बट ये सुपर कंप्यूटर से साइज में छोटा होता है, उससे कम पावरफुल होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी उससे कम होती है। यूजेज ऑफ मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग में, बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, इंश्योरेंस कंपनी में, इन सभी जगहों पर मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेनफ्रेम कंप्यूटर IBM 4381, स्पैरी, CDC, बायोमेट्रिक मशीन, कैश काउंटिंग मशीन, CDS, ICL 39। अब हम जानेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर इज़ अ मल्टी यूज़र सिस्टम इन विच 10 पीपल कैन वर्क एट द सेम टाइम।
ये एक मल्टी यूजर सिस्टम है, इस पर एक समय पर 10 लोग काम कर सकते हैं। दिस कंप्यूटर इज स्मॉलर इन साइज, चीपर देन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये साइज में छोटा होता है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से, और ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ता भी होता है। इट्स वर्किंग कैपेसिटी इज मोर देन माइक्रो एंड लेस देन सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से अच्छी होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ी लो में होती है। देयर इज मोर देन वन CPU इनसाइड डैश कंप्यूटर। इसमें एक से ज़्यादा CPU लगे होते हैं। द मेन पार्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इज प्लेस्ड इन ए बिल्डिंग एंड मैनी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू इट। इसका मेन पार्ट एक बिल्डिंग में रख दिया जाता है और उसके साथ कई सारे टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। टर्मिनल्स यानी कि लास्ट कनेक्शन, जैसे कोई तार है उसका लास्ट कनेक्शन वो कहाँ पर ख़त्म हुई है वो तार, उसे कहते हैं टर्मिनल। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए कई सारे टर्मिनल्स लगे होते हैं, उसमें हम तार कनेक्ट करके उसका हम यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं टर्मिनल। इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इंटू ए सुपर मिनी कंप्यूटर बाई यूजिंग ए सुपर चिप। सुपर चिप 80386 चिप का यूज़ करके हम मिनी कंप्यूटर को सुपर मिनी कंप्यूटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर यूज्ड फॉर, मिनी कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस लिए होता है? साइंटिफिक क्षेत्र में होता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए होता है, फाइल हैंडलिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर PDP-11, वैक्स, 7500 मैगनम। अब हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? जो भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं आजकल हम यूज़ करते हैं वो सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज़ ए पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, क्योंकि उस पर एक समय पर एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है, बिकॉज इट इज़ टेकन ए पर्सनल यूज़ दैट यूजेज ए माइक्रो प्रोसेसर, सो इट इज़ कॉल्ड ए माइक्रो कंप्यूटर। उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है, इसलिए उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इन विच अ CPU इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड सिंगल सेमी कंडक्टर चिप। उसमें जो CPU लगा होता है वो सिंगल सेमी कंडक्टर चिप और माइक्रो प्रोसेसर के रूप में लगा होता है। इट्स स्टोरेज पावर एंड प्रोसेसिंग स्पीड इज लेस। उसकी स्टोरेज पावर और प्रोसेसिंग स्पीड जो अभी हमने तीन टाइप के कंप्यूटर जाने उससे कम होती है, और ये छोटा भी होता है साइज में और ये सस्ता भी होता है, जो थ्री टाइप्स के कंप्यूटर हमने जाने, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन सभी से ये छोटा होता है। अब हम जानेंगे माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ऑफिस वर्क के लिए होता है, प्ले गेम के लिए होता है, कैलकुलेशन में, क्रिएट डॉक्यूमेंट में, इंटरनेट, बैंकिंग, प्ले वीडियो, इन सभी में ये वर्क यहाँ यूज़ होते हैं वो सारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप, एप्पल मोबाइल फ़ोन, नोटबुक, कैलकुलेटर, IBM PC, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।